एक्टर किसी कैरेक्टर को कैसे जिंदगी देता है अपनी, और वो कैरेक्टर उसकी अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर क्या असर डालता है। पंजाब को लेकर, पंजाबियत को लेके, नशे को लेके, और जो फॉरेन जाने का एक रुझान है पूरा पंजाब में यंग लोगों में, तो हम उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करना चाहते थे इस नाटक के थ्रू, और यही मैसेज देना चाहते थे कि हम लोग जो थिएटर वाले हैं, थिएटर आज की बात करता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एनएफ नेशनल। आज हम चंडीगढ़ के 16 सेक्टर के कला भवन में पहुंचे हैं, जहां पर केवल धालीवाल द्वारा एक नाटक की पेशकारी की जा रही है, और इस नाटक का नाम है अदाकार। और आज हम देखने जा रहे हैं कि इस नाटक के जरिए लोगों को क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो आइए मेरे साथ। जो प्रोग्राम बन रहे सी ते सुरजीत पात्र हुरा ने कहा कि जेकर असी सुराजगीर हुरा नूं सम्मान दे रहे हैं तो उन्हां दा लिखिया होया कोई नाटक जिहड़ा वो तुसीं इत्थे पी होना चाहिए, तो जिस नूं असी सम्मान दे रहे हैं तो उहदी कला दा जिहड़ा रूप है ते वो भी पेश करिए। सो ये नाटक जिहड़ा इहदा लिखिया होया
पिछले साल जून महीने से जो मैं दसिया ये तैयार किया कि कुछ शो किए तो हूँ थोड़े रूबरू है नाटक सो मेरी बेनती है कि होंगे ने यह जिसमा जगते चिरा जी बोलते मना के बनेर से बैठे का हमेशा क्यों ये पल जगते ना रेंदे तुर जाते हो पल तुर जाती है यार बन दिलों से कार की होंगे ने यह जिसमा च जगते चिरा कुछ भी पल का भुलेखा पल का सच होन ना होन दा सच कुछ भी सांझियां राह रख लेंदियां दोस्त हीन ना लूंदी चुप दी शां शूक दे गल दे ना की हुंदे ने ए जिस्मा च जगदे चिराग की हुंदे ने ए जिस्मा च जगदे चिराग झट तेरी दी ए भावुकता दी की लोड़ सी गल तां इन्नी करनी है ना कि मैं कला अदाकार नहीं मैं नाटक बारे बोल सकदा नाटक लिख सकदा कई बार तो मैं कहना हूं कि मैं नाटक खांदा नाटक पीना ते कई बार मैं नाटक करदा करदा खुद नाटक हो गया हूं तेरी दी फिर भावुकता सेंटीमेंटलिटी ये गल्ला तो मैं तुहाडे नाल करनी है कि क्या जी तुसी मैं अदाकारी करते हो करते हो पर मैनू की ना मैं अलूआ जा ते फिर ओ आए ओ ओ ओ कौन ओ कामरेड ते करता मेरी जिंदगी दा बेड़ा कर कहिंदे दुनिया विच दो तरीके दे लोग हुंदे अमीर ते गरीब साथियो दुनिया विच दो तरीके दे लोग ने अमीर ते गरीब एक और किस्म के लोग ने जिन्ना कोल था दौलत है दौलत के भंडार ने कोई अंत नहीं और दौलत मंगते ते होर दौलत मंगते ते होर दौलत मंगते ते तुसी पुछोगे कि वो दौलत कमा के की करते हैं ते जवाब यह है कि वो होर दौलत मंगते हैं दौलत नाल ताकत आती है ते होर दौलत आती है ते होर दौलत आती है ते दूजे पासे ने भुखे मरन वाले चीथड़े पहनन वाले गरीब वो काम करते ने मेहनत करते ने बच्चे जमते ने उन्होंने बच्चे भी काम करते ने वो काम करी जाते ने करी जाते ने करी जाते ने तेरी दी कोई दौर दे ओ खलो राजगीर ना तेरी दम देख लो की करवाया लेखक ते निर्देशक ने उस किरदार को मजबी ने डांग चौके मारी जगीरदार दे कदे कदे मजबी भी जगीरदार दे डांग मार सकता नहीं वो इन्नी हिम्मत ही नहीं कर सकता हो ही नहीं सकता पर हो सकता है हाँ हो सकता है कि एक दिन कामा मजबी जगीरदार दे डांग मारी दे हाँ हो सकता है हाँ हो सकता है हो सकता है रातां दियां टाणियां ते बैठे परिंदे उड़े ते सरगी दियां शाखां ते जावे गरीबां दे मुचड़े हुए हथ तने हुए मुक्के बन जान कुड़िया दियां अखां विचली चुप दे वरके रुके बन जान सदियां तो बंद दरवाजे खुल ही जान लोक अपने तुरंदर बैठे डरानू भुल ही जान तिड़क जाए ताकत दी लो दीवार बचपन में कोई हुई कुड़ी नू हो जाए प्यार हाँ हो सकता है हाँ हो सकता है दस्त का नाल पाल जान साडे बूहे तिड़के हुए बोला नाल हो जान होठ लाल सूहे असी कथे होके लोइए कथे होके हसीए तू ते ना किसे नू सोणनी तेनू रोकण वाला कौन तू वक नी कमलिए वाए तेनू रोकण वाला कौन तू वक नी कमलिए वाए तेनू रोकण वाला कौन
एक कुशागर कारिया पिछले समय च पीटीसी ते जिहड़ा वॉइस ऑफ पंजाब दा विनर है नौजवान कलाकार और इस नाटक दे रचेता डॉक्टर सुभाष जी बहुत सारे यंग थिएटर आर्टिस्ट जेडे अज आए हैं मैं उन्होंने जी आई भी कहना धन्यवाद भी करता थिएटर डिपार्टमेंट तो यूनिवर्सिटी तो भी आए ने और कुलदीप पुरी यानी दूरों पटियाले तो डॉक्टर कुलदीप दीप पुरी सारे दोस्त बहुत सारे दोस्त ने सारे बड़े नावों वाले और जिहड़ा सी गुरशरन भाजी ये जिहड़ा विच बहुत कुछ जिक्र जिहड़ा सीगा गुरशरन भाजी दे जिहड़े कि साड़ी जिहड़ी जर्नी सी ते जो डॉक्टर सुभाष वीर होरां ने लिखिया तो बाद विच जो ते कहिंदे इह मैं इह मैनूं कहिंदे कि केवल जी मैं तुहानूं देखदा रहा सी ते इह ओह नाटक है वाह वाह असी वो जो भाजी काम करते ही बहुत साल अजे तक भी यानी कि पिछले 40-50 साल तो गीत गाते रहे छट्टा चानना दा दे जाना मेरे साथियों मेरे बेलियों मेरे हाणियों ओदे रचेता भी साडे दरम्यान दोस्तों मैं कई बार जो नाटक वेखदा ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ ਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ एक तरह का निजी सफ़र है मैं थोड़ा जहा पंजाबी नाटक का जरा सफ़र है उन्होंने भी थोड़ा जहा शोन की कोशिश की है कि रिचर्ड भाजी का जिक्र है अदखर प्रोफेसर के रूप में भाजी का जिक्र है गारकी का जिक्र है सिखों का जिक्र है और ये जरा जी ना है नाटक का अदाकार आद अंत की साखी इस 17वीं सदी के पंजाबी शायर बली राम ये उन्होंने शब्द ने आद अंत की साखी है ये मैं उन्होंने उधारे लाए ने और इहदा जिहड़ा गीत जिहड़ा बनया तू वगनी कमलीए वाए तेन रोकण वाला कौन ये नजम हुसैन सैयद दी क्लासिक नाटक जिन्हें पंजाबी विच नवें नाटक की शुरुआत की तख्त लाहौर ओदा एक डायलाग है ओदा एक समाद है तू वगनी कमलीए वाए जिहदे च शाह हुसैन जदों दुल्ला उत्थे पट्टी नूं फांसी हो जाती है ते ओदे विच शाह हुसैन जिहड़ा ओह दे मूँह नजम हुसैन सैयद होनी इह सदर गाउंदे ने तू वगनी कमलीए वाए तेनूं रोकण वाला कौन पर इन्हां सारिआं नूं केवल उन्होंने टीम ने सरकार किया मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ दोस्तों अभी आपने जो बाकमाल और शानदार नाटक देखा है उसका निर्देशन किया है पंजाब की आन बान शान केवल धालीवाल जी ने तो जानते हैं उनसे कि वो इस नाटक के जरिए जिसका नाम था अदाकार उसके जरिए लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो करते हैं उनसे बात हेलो सर हेलो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और आपने बहुत बेकमाल नाटक जो तैयार किया है उसके बारे में हमें ज़रा बता दीजिए आप ऑडियंस तक क्या मैसेज देना चाहते हैं
एक्चुअली ये नाटक एक एक्टर की कहानी है, स्टार्ट टू फिनिश, आदंत की साखी। और एक एक्टर किसी करेक्टर को कैसे ज़िंदगी देता है अपनी, और वो करेक्टर उसकी अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर क्या असर डालता है, और वो खाली उसके ऊपर असर ही नहीं डालता, वो अपने उस करेक्टर के थ्रू पूरे के पूरे अपने समाज को कैसे देखता है। तो ये एक थिएटर की कमिटमेंट की कहानी है और एक कमिटेड एक्टर की कहानी है। और जो नए लोग थिएटर में आ रहे हैं उनके साथ हम लोग ये शेयर करना चाहते थे कि एक अदाकार की जो जर्नी है थ्रू करेक्टर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ करेक्टर्स, वो उस करेक्टर्स को जीने के लिए वो किस तरह से वो उसके बैकग्राउंड को देखता है और अपने दिमाग से कैसे सोचता है। और मुझे लगता है कि इस नाटक में जो पंजाब को लेकर, पंजाबियत को लेके, नशे को लेके, और जो फॉरेन जाने का एक रुझान है पूरा पंजाब में यंग लोगों में, तो हम उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करना चाहते थे इस नाटक के थ्रू। और यही मैसेज देना चाहते थे कि हम लोग जो थिएटर वाले हैं, थिएटर आज की बात करता है, जो ज़िंदगी की बात करता है, जो आज हमारे सामने हो रहा है, समाज में हो रहा है, हम लोग उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, अलग नहीं हो सकते। सो थिएटर का यही मकसद है और यही बात हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। तो सर एक बात और, इस नाटक को किन्होंने लिखा है, ज़रा आप उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये नाटक डॉक्टर स्वराज बीर का लिखा हुआ है। डॉक्टर स्वराज बीर हमारे बहुत सीनियर थिएटर राइटर हैं, प्ले राइट हैं। उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, अबाउट 20 के करीब बिग नाटक, जो कि उनका एक अपना मुकाम है पंजाबी थिएटर नाटककारी में। और मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो एक नेशनल सिनारियो दिया है, नॉट ओनली नेशनल, इंटरनेशनल सिनारियो अपने नाटकों के थ्रू दिया, वो डॉक्टर स्वराज बीर के हिस्से आता है। उनका नाटक धर्मगुरु, कृष्ण, मेदनी, कल्लर, मस्यादी रात के लिए उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला। सो उनको अभी हमने जो यहाँ पंजाब कला परिषद की तरफ से पंजाब गौरव सम्मान भी दिया, और उनका लिखा हुआ नाटक खेला है हमने। मैंने उनके सारे लिखे हुए जितने नाटक थे मैंने खेले हैं, और वो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं। ये उनका रिसेंट प्ले है जो हमने अभी खेला है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं दर्शकों के साथ ज़रूर ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग रंगमंच को प्यार करें, रंगमंच के लिए अपना समय निकालें, क्योंकि रंगमंच सीधे दिल से दिल तक बात करता है, आपके वजूद की बात करता है, आपके अपने होने की बात करता है, आपकी ज़िंदगी की बात करता है, वो दिलों को छूता है। सो आप लोग ज़रूर आइए, जब ये मेले लगते हैं तो मेले ही ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाते हैं। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे पंजाब के मशहूर निर्देशक केवल धालीवाल जी, जिन्होंने ये बहुत खूबसूरत नाटक तैयार किया जिसका नाम था अदाकार। अगली बार आपको हम फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।